Hello and assalamu alaikum. Welcome to lecture 4 of React.js beginner to expert level course. Last lecture mein humne seekha. First lecture or second lecture mein jitne bhi humne concepts padhe the jisme shamil hai state, props, components, event handling, prop types, lifting state up, conditional rendering, HOCs, वगैरह वगैरह. इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई. उसके बाद हमने जो न्यू चीज़ सीखी वो थी रिएक्ट राउटर डोम, और उसके थ्रू हमने सीखा कि किस तरह आप अपनी एप्लीकेशन में नेविगेशन या रीडायरेक्शन वाला काम करवा सकते हैं. अब हमने लास्ट लेक्चर में जो एप्लीकेशन बनाई थी उसी को लेके हम इस लेक्चर में आगे चलेंगे, लेकिन एक न्यू चीज़ सीखेंगे इस लेक्चर में, वो है Redux library. So what is Redux library? Redux one of the hottest JavaScript libraries है जो कि फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है. ये डैन एब्रामोव और एंड्रयू क्लार्क ने 2015 में बनाई, और इसे फ्लक्स का सक्सेसर भी कहा जाता है. फ्लक्स भी एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है और रिडक्स भी एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है. तो रिडक्स आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है, बहुत सारी एप्स में यूज़ हो रही होती है, मोस्टली एप्स में रिडक्स यूज़ हो रही होती है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सो व्हाई रिडक्स? रिडक्स हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए? हम नॉर्मली क्यों नहीं अपनी स्टेट मैनेज करवा सकते जैसे हमने लेक्चर 3 में जो वेबसाइट बनाई उसमें किया? सो अगर आपने बहुत सिंपल सी कोई एप्लीकेशन बनानी हो, जैसे कि हमने एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई, तो उसके लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं स्टेट्स जिस तरह मैंने की. लेकिन लेट्स से आपको कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ऐप बनानी है जिसमें आपको ढेर सारा डेटा भी सेव करवाना है, और वो डेटा जो है आपको रिक्वायरमेंट हो कि आपने एक ही जगह रखना है, और आपके सारे कॉम्पोनेंट्स जो है वो उस स्टेट को ही या उस सिंगल सोर्स ऑफ डेटा को भी यूज़ कर रहे हों. और लेट्स से जैसे कि हमने अभी लास्ट एप्लीकेशन में देखा कि हम अपना सारा डेटा जो है वो स्टेट में सेव करवाए थे app.js में, और फिर वहाँ से हम ड्रिल डाउन कर रहे थे एज प्रॉप्स टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, विच टेल्स कि हमारा डेटा जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड फ्लो कर रहा होता है. तो लेट्स से कि कोई एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपके चाइल्ड ने पेरेंट में कोई स्टेट भेजनी हो, या लेट्स से आपकी कोई कंपोनेंट्स हो जिनके कोई पेरेंट्स ही ना हो, तो उस केस में स्टेट जो है वो किस तरह आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी? ऐसे सिनेरियो के लिए हम यूज़ करते हैं रिडक्स. अब देख लेते हैं कि रिडक्स ऑफर क्या करती है. बेसिकली रिडक्स तीन चीज़ें हमें ऑफर करती है. फर्स्ट, एक सिंगल स्टोर. स्टोर बेसिकली वो ऑब्जेक्ट होता है या वो आप सिंगल सोर्स समझ लें इसे, जहाँ पे आपका सारा डेटा जो है वो सेव हो सकता है. फ्लक्स में आपके पास मल्टीपल स्टोर हो सकते हैं, रिडक्स में ये बात याद रखने वाली है कि हमेशा आपके पास एक स्टोर होगा. देन देर आर एक्शंस. आपकी एप्लीकेशन कुछ एक्शंस डिस्पैच करती है, या आपके कंपोनेंट्स रिएक्ट कंपोनेंट्स जो हैं वो कुछ एक्शंस डिस्पैच करते हैं, और वो एक्शंस जाके रिड्यूसर्स को या कुछ प्योर फंक्शंस होते हैं, और वो एक्शंस इंडिकेट करते हैं कि आपकी स्टेट में कोई अपडेशन होनी है. बेस्ड ऑन दोज एक्शन टाइप्स आपकी स्टेट अपडेट होती है, और फिर आपके जिन जिन कॉम्पोनेंट्स ने आपकी स्टोर ऑब्जेक्ट के साथ सब्सक्राइब किया हुआ होता है वो सारे वो अपडेटेड स्टेट को पुल इन कर लेते हैं. तो ये इसका पूरा मॉडल है रिडक्स का, जिसे हम आगे जाके मज़ीद स्टडी भी करेंगे, और इससे रिलेटेड हमने जो लेक्चर 3 में ऐप बनाई है उसमें एक डेमो सा भी बना लेंगे यूजिंग रिडक्स. और लेक्चर 3 में जो हमने एक एप्लीकेशन बनाई है उसमें भी हम रिडक्स को यूज़ करके और देख लेंगे कि किस तरह ये यूज़फुल है.
अब देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिडक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ रिडक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सिंगल स्टोर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टोर हमेशा सिंगल होता है, इट्स वन सोर्स जहाँ पे आप सारा अपना डेटा रखते हैं और इस स्पेसिफिक सोर्स से पूरी एप्लीकेशन आपका डेटा जो है वो फेच करती है। सेकंड चीज़, सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल रिडक्स का है कि ये रीड ओनली स्टेट्स प्रोवाइड करती है। रीड ओनली स्टेट्स का मतलब ये है कि आप सिंपली इसकी स्टेट को एक्सेस करके उसे म्यूटेट नहीं करवा सकते। अगर आपने अपनी स्टेट को अपडेट करवाना है तो वो आप सिर्फ एक्शन डिस्पैच करके करवा सकते हैं। सो आप एक्शन डिस्पैच करवाएंगे, जो कि एक्शंस बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इंडिकेट कर रहे होते हैं कि अ चेंज नीड्स टू बी मेड इन द स्टेट, कि आपकी स्टेट जो है वो चेंज होने वाली हो रही है, या इंडिकेटर वो देते हैं कि आपकी स्टेट को अब चेंज होना चाहिए। ये नहीं बताते एक्शंस के किस तरह चेंज होगी आपकी स्टेट, बट दे इंडिकेट के स्टेट चेंज होनी चाहिए। तो आपकी स्टेट सिर्फ तब अपडेट होती है जब आपकी रीड ओनली स्टेट, जब आपका कोई एक्शन डिस्पैच हो, अदरवाइज आप इसे अपडेट नहीं कर सकते। उसके बाद वो लॉजिक जो कि हमें बताती है कि आपने स्टेट को किस तरह से अपडेट करना है या किस तरीके से आपकी स्टेट अपडेट होगी, वो लॉजिक हम लिखते हैं कुछ प्योर फंक्शंस में, और वो प्योर फंक्शंस कहलाते हैं रिड्यूसर्स। इन प्योर फंक्शंस में हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी प्रीवियस स्टेट क्या थी, जो कि इसका एक आर्ग्यूमेंट भी होता है, और क्या एक्शन टाइप है जो ये डिटरमिन करने में हेल्प करता है कि आपने किस तरह की फंक्शनैलिटी या मैकेनिज्म को चलाना है और स्टेट को चेंज करना है। और अगर आपकी स्टेट चेंज ना हो तो फिर आप रिटर्न कर देते हैं डिफ़ॉल्ट जो प्रीवियस स्टेट थी। अदरवाइज आप जो प्रीवियस स्टेट होती है उसमें अपडेशन करते हैं, रिमेंबर उसको नहीं चेंज करते। प्रीवियस स्टेट को जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स में आ रही होती है, हम उसकी कॉपी बनाते हैं। उस कॉपी के अंदर प्रीवियस स्टेट में हम अपेंड करवा देते हैं जो हमने चीज़ अपडेट करवानी हो अपनी स्टेट में, यूजिंग ऑब्जेक्ट या यूजिंग स्प्रेड नोटेशन। तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ रिडक्स। अब चार मेन फीचर्स देख लेते हैं रिडक्स के: एक्शंस, रिड्यूसर्स, स्टोर एंड व्यूज़। व्यूज़ यहाँ पे बेसिकली मैं कह रही हूँ कंपोनेंट्स को रिडक्स के। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रिडक्स का है एक्शंस। एक्शंस आर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो कि ये बताते हैं कि आपकी स्टेट चेंज होनी चाहिए। तो बेसिकली एक्शंस के अंदर दो चीज़ें ऑब्लिगेटरी होती हैं, एक तो टाइप और सेकंड कांस्टेंट होता है, जो जिस कांस्टेंट के अंदर हमारा डेटा आ रहा होता है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं एक्शन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, लेकिन ये दो मैंडेटरी होती हैं। अब ये एक्शंस जो फंक्शंस डिस्पैच करते हैं, या अब ये एक्शंस जिन फंक्शंस में रिटर्न हो रहे होते हैं, एक्शंस क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स। और जो फंक्शंस इन ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्शन क्रिएटर्स। और बेसिकली जब कोई कंपोनेंट किसी एक्शन को डिस्पैच करता है तो वो लिखता है डिस्पैच और आगे एक्शन का नाम। तो इस फंक्शन को कॉल जाती है जो कि एक्शन क्रिएटर है, और ये फंक्शन हमें रिटर्न करके देता है एक्शन टाइप। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रिड्यूसर्स। अब जो हमने कहा कि एक्शंस इंडिकेट करते हैं कि कोई स्टेट चेंज होनी चाहिए, अपडेशन होनी चाहिए, वो अपडेशन करता कौन है या ये किस तरह से होनी चाहिए स्टेट अपडेशन, वो कौन डिटरमिन करता है? वो डिटरमिन करते हैं रिड्यूसर्स के फंक्शंस। सो फ्लक्स में रिड्यूसर एक भी हो सकता है और मल्टीपल रिड्यूसर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल रिड्यूसर्स के केस में हमारे पास हमेशा एक रूट रिड्यूसर होता है जो कि मैनेज कर रहा होता है अपने सारे चाइल्ड रिड्यूसर्स को, और वो रिसीव करता है स्टेट को या स्टोर के ऑब्जेक्ट को, स्टोर में सेव स्टेट को, और फिर वो डिटरमिन करता है कि उसने उस स्टेट को किस
रिड्यूसर के अंदर भेजना है फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। तो रिड्यूसर्स आर बेसिकली प्योर फंक्शन जो इनपुट लेते हैं उसके बेसिस पे हमेशा सेम आउटपुट ये परफॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। रिड्यूसर्स दो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस स्टेट या इनिशियल स्टेट, और सेकेंडली एक्शन टाइप। रिड्यूसर्स के अंदर हम स्विच लगा के और केसेस लिख देते हैं कि किस केस के ऊपर किस तरह से हमने अपनी स्टेट को मैनिपुलेट करवाना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक इसमें डिफ़ॉल्ट केस भी होता है जिसमें हम इनिशियल स्टेट को रिटर्न करवा देते हैं या प्रीवियस स्टेट को रिटर्न करवा देते हैं, और बाकी सारे केसेस में हम एक न्यू कॉपी ऑफ स्टेट को रिटर्न करवाते हैं जिसमें हमारी पिछली स्टेट प्लस द अपडेशन दैट वी हैव परफॉर्म्ड इन द स्टेट वो दोनों कंबाइन होकर रिटर्न हो रही होती है। थर्ड फीचर रिडक्स का है स्टोर। बेसिकली स्टोर आपका एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपके रिड्यूसर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा होता है। जब भी कोई एक्शन डिस्पैच होता है, रिड्यूसर स्टोर के साथ क्योंकि इन कॉन्टैक्ट होता है तो वो स्टोर को अपडेट करता है, और जैसे ही हमारा स्टोर अपडेट होता है, जो जो व्यूज़, यहाँ पे व्यूज़ मैं कह रही हूँ रिएक्ट के कॉम्पोनेंट्स को, क्योंकि हम रिएक्ट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे व्यूज़ हमारे होंगे रिएक्ट के कॉम्पोनेंट्स। तो जो जो रिएक्ट के कॉम्पोनेंट्स या व्यूज़ हमारे स्टोर को सब्सक्राइब किया हुआ होता है उन्होंने, या हमारे स्टोर से कनेक्टेड होते हैं, सब्सक्राइब करना यानी कनेक्टेड होते हैं, या स्टोर से वो स्टेट गेट कर रहे होते हैं, वो सारे स्टेट चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं और उनके पास अपडेटेड स्टेट आ जाती है। तो इस तरीके से ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो चल रहा होता है जिसके थ्रू हमारे कॉम्पोनेंट्स जो है वो अपडेट होते हैं बेस्ड ऑन न्यू स्टेट दैट वी गेट फ्रॉम स्टोर, और फिर उन्हें अपनी नीड के हिसाब से जब स्टेट को दोबारा चेंज करवाना होता है तो फिर वो डिस्पैच करते हैं कोई एक्शन, और एक्शन फिर स्टेट को थ्रू रिड्यूसर जो है अपडेट करता है, और फिर अगेन वो कॉम्पोनेंट्स अपडेट हो जाते हैं। इसको हम डायग्राम की सूरत में भी देख लेते हैं। ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से उठाई है और बहुत ही ज़बरदस्त डायग्राम है जो कि हमारे इस पूरे डिस्कशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो रिएक्ट प्लस रिडक्स, यानी रिएक्ट में अगर आप रिडक्स लाइब्रेरी यूज़ करें तो उसका वर्क फ्लो कुछ इस तरह का होता है कि रिएक्ट कॉम्पोनेंट्स डिस्पैच करते हैं कुछ एक्शंस को, ये एक्शंस रिड्यूसर्स इन एक्शंस की बेसिस पे स्टोर पे कुछ अपडेशन करता है। बेसिकली रिड्यूसर के पास प्रीवियस स्टेट भी आ रही होती है जो स्टोर में होती है, और यहाँ से डिस्पैच्ड एक्शन भी उसे मिल रहा होता है। तो रिड्यूसर डिटरमिन करता है कि उसने स्टोर में स्टेट में क्या चेंज करना है, और वो चेंज करता है। एज सून एज आपका स्टोर का ऑब्जेक्ट अपडेट होता है, जो जो रिएक्ट के कॉम्पोनेंट्स या व्यूज़ इस स्टोर के साथ कनेक्टेड होते हैं वो ये अपडेटेड स्टेट गेट कर लेते हैं और अपडेट हो जाते हैं, और फिर दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसमें व्यूज़ दोबारा से अगर उन्हें लेट से कोई नीड आए, लेट से कि कोई क्लिक हुआ है या फिर कोई और आपकी यूआई में चेंज आया है जिसकी वजह से आपका डेटा चेंज हो रहा है, तो फिर दोबारा से ये एक्शंस डिस्पैच करता है व्यू, और हमारा पूरा फ्लो रिवाइव हो जाता है। तो आप यहाँ पे ये नोट करें कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो में हमारे पास चीज़ें चल रही हैं। अब रिडक्स यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके किसी कंपोनेंट ने डायरेक्टली स्टेट के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसे किसी पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली स्टोर के साथ सब्सक्राइब करेगा और स्टोर उसे प्रोवाइड कर देगा जो भी स्टेट इसे चाहिए होगी। लाइकवाइज हम प्रॉप ड्रिलिंग से बच जाएंगे। प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है? प्रॉप ड्रिलिंग एग्जैक्टली वही होता है जो हमने थर्ड लेक्चर में किया है, अगर आपको याद हो, बल्कि मैं आपको डेमो में शो भी करूँगी कि हमने सारी स्टेट को एक कॉम्पोनेंट में रखे और फिर जितने भी चिल्ड्रन कॉम्पोनेंट्स में उस स्टेट की ज़रूरत थी हमने उसे एज प्रॉप
सेंड किया है। ये तो बेसिक से एप्लीकेशन थी, तो इसमें ये इतना पेनफुल प्रोसेस नहीं है। लेकिन लेट्स से अगर आपकी कोई कॉम्प्लेक्स बड़ी सी एप्लीकेशन हो, तो उसमें अगर आपकी लेट्स से 7, 7, 8, 8 लेवल की हायरार्की बनी हुई हो, पेरेंट टू लास्ट चाइल्ड तक या मोर, तो उसमें अगर आपको पेरेंट पर स्टेट रखनी पड़े और फिर आप उसे ड्रिल डाउन करवाएं लास्ट कॉम्पोनेंट तक, तो कितने ज़्यादा आपके एक्स्ट्रा रेंडर्स भी होंगे, कितने कॉम्पोनेंट्स जो है वो बार बार रेंडर होंगे, और ये कितना स्लो बना देगा आपकी एप्लीकेशन को, और बिल्कुल भी इसके अंदर इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी। तो ये फ़ायदे होते हैं रिडक्स के। अब हमने जो थर्ड लेक्चर में ऐप बनाई थी उसी का ओवरव्यू लेते हैं, और उसके बाद उसी में चेंजेस करते हैं और अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं रिडक्स लाइब्रेरी को, और देखते हैं कि किस तरह हमारा प्रोग्राम स्विफ्टली और इजीली आसान हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने अपनी एप्लीकेशन खोली हुई है, ई कॉमर्स वेबसाइट जो हमने थर्ड लेक्चर में बनाई थी एग्जैक्टली वही वाली खोली हुई है, और यहाँ पे मैं व्यू में जाके टर्मिनल में जाऊँगी। सबसे पहले हमें रिडक्स लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, सो मैं लिखूँगी npm I या इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स दोनों, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगी और ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। पैकेज डॉट जेसन में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स दोनों हमारे पास जो है वो डिपेंडेंसीज में लिस्ट हो गई है। सो हमारी रिडक्स लाइब्रेरी परफेक्टली इंस्टॉल हो गई है। अब हम अपनी ऐप को रन करके देख लेते हैं कि हमने इसे लास्टली किस स्टेट में छोड़ा था और हम कहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो ये हमने एक बेसिक सी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी जिसका ये प्रोडक्ट्स पेज है। हेडर में हमारे पास एक होम का टैब है और एक कार्ट का आइकन है। कार्ट पे जाएंगे तो ये हमारा कार्ट है जो कि एट द मोमेंट एम्प्टी है। यहाँ से होम पे जाएंगे तो ये हमें वापस प्रोडक्ट्स पेज पे ले आएगा। प्रोडक्ट्स पेज पे हमारे पास यहाँ पे हवर करने से कार्ट का आइकन आता है जो कि क्लिकेबल है। इस पर क्लिक करें तो हमारे पास आइटम की डिटेल्स आ जाती हैं, साथ गो टू कार्ट और कंटिन्यू शॉपिंग का बटन आ जाता है। गो टू कार्ट हमें ले जाता है कार्ट पेज के अंदर और डिस्प्ले कर देता है जो भी आइटम हमने सेलेक्ट किया हुआ हो उसको। और इफ़ वी गो बैक होम और दोबारा से किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करें और कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करें तो वो मोडाल क्लोज हो जाता है ताकि आप और एलिमेंट्स या और आइटम्स जो हैं वो सेलेक्ट कर सकें। सो ये जो कार्ट पेज है ये मैंने लेक्चर 3 के अंदर कवर नहीं किया। बेसिकली ये भी उसी तरीके से बनाया जिस तरह मैंने आपको प्रोडक्ट पेज बनाना सिखाया है। कोई न्यू कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, सब कुछ वही है, बट मैंने इसको भी फिल्म किया है और ये मैं एज अ बोनस लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। आप इस लेक्चर को फॉलो करते हुए देख सकते हैं कि कार्ट पेज मैंने किस तरह से बनाया है, ये यूआई किस तरह बनाई है, टेबल किस तरह बनाया है, इसमें डेटा किस तरह शो हो रहा है। तो ये हमारी बेसिक सी वेबसाइट थी। अब वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो वैसे तो हमारी एप्लीकेशन बहुत बेसिक सी है और हमने ये देखा है कि यूजुअली बेसिक वेबसाइट्स में हम रिडक्स यूज़ नहीं करते, मोस्टली ये कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। लेकिन इवन हमारी इस बेसिक वेबसाइट के लिए भी अगर आप नोट करें तो हमने ऐप डॉट जे एस को क्लास कॉम्पोनेंट बना के अपनी सारी स्टेट को इसी फाइल के अंदर, इसी कॉम्पोनेंट के अंदर हमने स्टेट में सेव करवाया हुआ है। और फिर जहाँ जहाँ भी जिस जिस कॉम्पोनेंट को ये स्टेट चाहिए हो, चाहे वो ऐप डॉट जे एस का डायरेक्ट डिसेंडेंट हो या फिर हायरार्की में बहुत बॉटम पे आ रहा हो, हमने इसी कॉम्पोनेंट से उसको एज अ प्रॉप ये सारी स्टेट्स भेजी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोडक्ट पेज को मैं भेज रही हूँ काफ़ी सारी प्रॉप्स। इसमें से स्टेट है आइटम्स डेटा, कार्ट ओपन और सेलेक्टेड आइटम्स, ये तीनों जो हैं यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पेज में सेंड कर रही हूँ। अब अगर मैं प्रोडक्ट पेज के अंदर जाऊं तो प्रोडक्ट पेज के अंदर मैं ये आइटम्स डेटा, कार्ट ओपन और सिलेक्टेड आइटम्स, ये तीन हमारी स्टेट्स से आ रहे हैं। ये प्रॉप से जो हम स्टेट्स गेट कर रहे हैं ऐप डॉट जे एस की, ये मैं सेंड करवा रही हूँ प्रोडक्ट के कॉम्पोनेंट के अंदर। प्रोडक्ट के कॉम्पोनेंट के अंदर जाएं तो मज़ीद यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं आइटम कार्ट के कॉम्पोनेंट को, जिसको हम
आइटम डिटेल्स सेंड कर रहे हैं एज अ प्रॉप, और ये आइटम डिटेल्स भी वही है जो हमने स्टेट में सेव करवाई हुई है। फिर आइटम कार्ट के अंदर जाके हम इस स्टेट को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर आप ये नोट करें तो हमारे पास ये प्रॉप ड्रिलिंग हो रही है ऑल द वे फ्रॉम एप डॉट जे एस कॉम्पोनेंट टू प्रोडक्ट पेज कॉम्पोनेंट टू प्रोडक्ट कॉम्पोनेंट टू आइटम कार्ट कॉम्पोनेंट। तो ये हमें हर लेवल पे प्रॉप सेंड करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से सारे कॉम्पोनेंट्स जो कि इस प्रॉप को गेट कर रहे हैं वो सारे रेंडर हो रहे होते हैं। और इसकी वजह से ये तो एक बेसिक सी छोटी सी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे प्रॉप ड्रिलिंग हमें इतना मसला नहीं शो कर रही, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स में प्रॉप ड्रिलिंग हो तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन में लेट्स से 50 कॉम्पोनेंट्स हैं और वो सारे प्रॉप ड्रिलिंग के बेस पे ये चल रहे हैं, तो वो इमेजिन आप कोई एक बटन पे क्लिक करें और वो डाउन द हायरार्की लेट्स से बहुत लोअर नंबर पे हो, तो आपके उसके हायर नंबर पे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे रेंडर होते हुए आएंगे और फिर आपका ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा, तो दैट डेफिनेटली अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ योर एप्लीकेशन। तो ये वजहें हैं। और सेकेंडली अगर आप देखें तो क्योंकि प्रॉप ड्रिलिंग होती ही तब है, क्योंकि रिएक्ट हमें ये अलाउ नहीं करता कि हम डायरेक्टली किसी कॉम्पोनेंट को स्टेट एक्सेस करवा सकें, हमें हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड की डायरेक्शन में जो है स्टेट एक्सेसिबल करवानी पड़ती है चाइल्ड के लिए। तो हम अगर यहाँ पे रीडक्स ऐड कर देंगे तो आइटम कार्ड जो ये क्लास है, आइटम कार्ड जो ये कॉम्पोनेंट है, इसको भी हम डायरेक्टली एक्सेस करवा सकते हैं अपनी स्टेट से और इसे प्रॉप ड्रिलिंग के थ्रू आइटम गेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ रीजन्स थी, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी हमारे जो लेक्चर 3 में प्रोग्राम बनाया था उसमें, और उसको अब हम सॉल्व करेंगे रीडक्स से। रीडक्स लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर ली है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है कॉम्पोनेंट्स का, जिसमें हमने अपने सारे कॉम्पोनेंट्स रखे हुए थे। SRC में अब यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाएंगे और उसे कह देंगे रीडक्स। अब हमने पढ़ा था रीडक्स में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक्शंस, रिड्यूसर्स और स्टोर। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाएंगे और उसे कह देंगे एक्शन टाइप्स डॉट जे एस। एक्शन टाइप्स डॉट जे एस बेसिकली ये आपकी मर्जी होती है कि आप एक्शन टाइप्स अलग से किसी फाइल में डिफाइन कर दें या जहाँ पे आप अपने एक्शन क्रिएट करी हैं वहीं पे एस स्ट्रिंग अपनी एक्शन टाइप्स रिटर्न करवा दें। मैं इस तरह से इस चीज़ को लेके चलती हूँ, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो अगर आपकी एक्शन टाइप्स की फाइल जो है वो सेपरेट हो तो आपको आसानी हो जाती है कभी अपडेशन करनी हो उसमें या कोई एक्शन टाइप चेंज करनी हो उसमें। इसमें हम कुछ एक्शंस कांस्टेंट में सेव करवा के एक्सपोर्ट करवा देंगे। फॉर एग्जांपल मेरी एक एक्शन टाइप होगी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स ये मेरी एक एक्शन टाइप हो गई। इसी तरह मैं अपने सारे एक्शंस की कुछ टाइप्स बना दूंगी। ये मैंने 6 टाइप्स बना दी हैं एक्शंस की। अब हमने रिडक्स फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाई है एक्शंस डॉट जे एस की। इस फाइल में सबसे पहले हम अपने एक्शन टाइप को इंपोर्ट करवाएंगे। एक्शन टाइप सबसे पहली होगी गेट ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम एक्शन टाइप्स, और यहाँ पे हम एक्शन क्रिएट करेंगे थ्रू एक्शन क्रिएटर एक्सपोर्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं आएगा और ये रिटर्न करेगा हमें टाइप, इसकी होगी वही जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाई एक्शन टाइप से, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और पेलोड कुछ भी नहीं होगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स।
यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स ऐड कर देंगे. ओप्स, ऑलराइट. ये हमारा एक एक्शन क्रिएट हो गया जो कि रिटर्न कर रहा है टाइप और गेट ऑल प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स में इसे सेंड करवा सकते हैं सेलेक्टेड आइटम्स, और सेलेक्टेड आइटम्स के अंदर ही हर आइटम की क्वांटिटी भी होगी जिसकी बेसिस पे ये पूरी कंप्यूटेशन रिड्यूसर के अंदर कर लेगा. यहाँ पे हम एक्शन टाइप्स में एक और एक्शन बना लेते हैं जैसे हमने गेट सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स का बनाया, इस तरह सेव सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स का भी बना लेते हैं या अपडेट सिलेक्टेड प्रोडक्ट. अपडेट सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम सेंड करेंगे एक आइटम की डिटेल. और टाइप सेंड करवा देंगे अपडेट सिलेक्टेड प्रोडक्ट. अपडेट सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स की साथ ही यहां पे हम पेलोड सेंड करवाएंगे सिलेक्टेड आइटम्स की, और यहां पे पेलोड सेंड करवाएंगे आइटम. एक्शन क्रिएटर्स बनाने के बाद रिडक्स फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे और उसे कहेंगे रिड्यूसर डॉट जे एस. इस फाइल में सबसे पहले हम इंपोर्ट करवा लेंगे अपने सारे एक्शन टाइप्स. एक्शन टाइप्स इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ पे हम अपना रिड्यूसर फंक्शन बनाएंगे. जैसे कि हमने पढ़ा था कि रिड्यूसर फंक्शंस आर प्योर फंक्शंस और वो दो आर्ग्यूमेंट्स गेट करते हैं, एक इनिशियल स्टेट या प्रीवियस स्टेट जिसे आप कह लें और एक आपका पेलोड, और रिटर्न करते हैं स्टेट. तो सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इनिशियल स्टेट को. इनिशियल स्टेट में हमारे पास एक स्टेट होगी प्रोडक्ट्स की जो कि एम टी आर ए से इनिशलाइज करवा दूंगी. एक स्टेट होगी सेलेक्टेड आइटम्स की या सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स कह लें इन्हें आप, या सेलेक्टेड आइटम्स कहें. सेलेक्टेड आइटम्स की एक स्टेट होगी जिसे हम एरे से इनिशलाइज करवा देंगे एम टी आर ए से. और एक स्टेट हमारे पास होगी टोटल प्राइस जो कि इनिशियली ज़ीरो होगी. अब यहाँ पे हम अपना रिड्यूसर फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स रिड्यूसर. आर्ग्यूमेंट्स में स्टेट इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट, डेटा सॉरी डेटा नहीं, यहाँ पे आपकी आएगी एक्शन टाइप, जो एक्शन टाइप आप सेंड करेंगे. सो यहाँ स्विच हम लगाएंगे एक्शन टाइप, या इसे कह लेते हैं एक्शन क्योंकि हमने डॉट टाइप करके टाइप को गेट करना है. सो एक्शन डॉट टाइप. फर्स्ट केस हमारा होगा गेट ऑल प्रोडक्ट्स. सारे केसेस लिस्ट डाउन कर लेते हैं फिर उसके अंदर क्या लॉजिक लिखनी है वो बाद में डिसाइड करेंगे. सो एक केस होगा हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट्स का, एक केस होगा गेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स.
लास्टली जो हमारा केस होगा वो होगा डिफॉल्ट, और ये रिटर्न कर रहा होगा माय स्टेट एज इट इज. अब फर्स्ट केस को देखते हैं. गेट ऑल प्रोडक्ट्स में हमें रिटर्न करवानी है सारी प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट में ही अपनी सारी प्रोडक्ट्स डाल देंगे और सिंपली स्टेट डॉट प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की के अंदर रिटर्न कर देंगे. तो हम चलते हैं ऐप डॉट जेएस में, जहाँ पे हमने इस एरे के अंदर अपना सारा डेटा रखा हुआ है. इसे यहाँ से कट करते हैं और हम जाते हैं रिड्यूसर के अंदर और प्रोडक्ट्स के अंदर ये डेटा हम सेव करवा देते हैं. सो इस केस के अंदर हम अपनी स्टेट को एज इट इज रिटर्न कर देंगे. गेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स के केस में भी हम सिंपली अपनी स्टेट को रिटर्न कर देंगे, और हम केसेस को इस तरीके से ग्रुप करके भी लिख सकते हैं जिनकी लॉजिक सेम हो. अपडेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स में हमारे पास आ रहा होगा, अगर हम एक्शन डॉट जेएस के अंदर जाके देखें तो अपडेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स में हमारे पास पूरा एक आइटम आ रहा होगा जिसे हमने अपनी स्टेट के अंदर अपेंड करवाना है. तो वापस रिड्यूसर में जाएंगे और इस केस के अंदर हम लिखेंगे रिटर्न स्टेट, स्टेट के अंदर सेलेक्टेड आइटम्स के ऑब्जेक्ट के अंदर हम सेलेक्टेड आइटम्स के अंदर अपेंड करवा देंगे एक्शन डॉट पेलोड को. इस तरीके से फिर अपडेट टोटल प्राइस में, अब अपडेट टोटल प्राइस का एक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास सेलेक्टेड आइटम्स की एरे आ रही होगी. तो रिड्यूसर में वापस जाएंगे और यहाँ पे हम हमारे पास क्योंकि सेलेक्टेड आइटम्स की एरे आ रही होगी, तो सबसे पहले तो हमने सारे आइटम्स पे मैप करवा के और हर आइटम की टोटल प्राइस फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद हमने उन सारी जो हमारे पास प्राइसेस आई होंगी उन्हें सम अप करना है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऑल आइटम्स प्राइसेस इज इक्वल टू स्टेट डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, या फिर एक्शन डॉट पेलोड डॉट मैप आइटम रिटर्न या रिटर्न अगर कुछ भी ना करें तो आइटम डॉट प्राइस इनटू आइटम डॉट क्वांटिटी. इस तरीके से हमारे पास ऑल आइटम्स की प्राइसेस जो है वो एक एरे की फॉर्म में इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी. अब सिंपली हम इस पूरी एरे की वैल्यूज को सम अप कर देंगे. अब हम सम फाइंड करेंगे टोटल प्राइस.
एक्यूमुलेटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। तो जो स्टेट हम रिटर्न करवाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगी कि स्टेट टोटल प्राइस, और टोटल प्राइस के अंदर और टोटल प्राइस में हमारे पास ये प्राइस आ जाएगी। अब वापस अगर हम अपने एक्शंस में जाएं तो यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी के लिए भी हमें कुछ ना कुछ पेलोड चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमने कौन से आइटम की क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। सो यहाँ पे हम गेट करेंगे आइटम आईडी, और यहाँ पे हम पेलोड में सेंड करवा देंगे अपने आइटम आईडी को। वापस जाएंगे रिड्यूसर में, और इंक्रीज क्वांटिटी के अंदर हम अपनी इनिशियल स्टेट से फिल्टर आउट करवाएंगे वो आइटम जिसकी आईडी हमें रिटर्न हो रही है। अपनी स्टेट की कॉपी बना लेंगे कॉन्स्ट न्यू, या आप कह लें अपडेटेड प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मैप आइटम रिटर्न, और कर्ली ब्रेसेस में रिटर्न, और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ आइटम डॉट आई डी इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, तो उस केस में हम रिटर्न करवाएंगे आइटम क्वांटिटी आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस वन। अदरवाइज हम अपने आइटम को एज इट इज रिटर्न करवा देंगे, और यहाँ से जो हमारे पास अपडेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे इसे हम कुछ इस तरीके से स्टेट में अपडेट करवा देंगे कि प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर सेंड कर देंगे अपडेटेड प्रोडक्ट्स। डिक्रीज क्वांटिटी में भी एग्जैक्ट यही काम होगा। अब हमने जो इनिशियल स्टेट में कुछ प्रोडक्ट सेट की हैं, यहाँ पे एक क्वांटिटी का एट्रीब्यूट भी ऐड कर देते हैं जो कि इनिशियली ज़ीरो होगा। और आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट्स रिड्यूसर रेडी है। सो हमारे पास एक्शंस भी आ गए हैं, रिड्यूसर भी आ गया है, एक्शन टाइप्स भी आ गई हैं। अब हमने अपने स्टोर को रिड्यूसर के साथ ज्वाइन करना है या उनकी आपस में इंटरेक्शन करवानी है, उसके लिए हम जाएंगे इंडेक्स डॉट जे एस में, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट बना देंगे क्रिएट स्टोर, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट बना देंगे स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर, और इसके अंदर हम सेंड कर देंगे अपना रिड्यूसर। सो रिड्यूसर यहाँ पे हम इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स रिड्यूसर फ्रॉम रिडक्स स्लैश रिड्यूसर, और इस प्रोडक्ट्स रिड्यूसर को हम सेंड करवा देंगे क्रिएट स्टोर में, और इस तरह से हमारा स्टोर हमारे रिड्यूसर से बाउंड हो जाएगा। लेकिन ये स्टोर पूरी एप्लीकेशन में एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें यहाँ पे पार्डन मी, ये हम रिएक्ट रिडक्स से नहीं रिडक्स से इंपोर्ट करवाएंगे, और यहाँ पे हम प्रोवाइडर का कंपोनेंट
इंपोर्ट करवाएंगे फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स और अपनी ऐप को प्रोवाइडर के अंदर रैप कर देंगे और इस प्रोवाइडर के अंदर हम अपना स्टोर सेंड कर देंगे। इससे यह होगा कि हमारा कोई भी कंपोनेंट डायरेक्टली स्टोर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक प्रोवाइडर प्रोवाइडर कंपोनेंट बना लेंगे और इसके अंदर हम सेंड करवा देंगे। अपने ब्राउजर राउटर को जिसके अंदर हमारा रूट कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट और यहाँ पे हम स्टोर सेंड करवा देंगे इस तरह से। और अब हमारा स्टोर हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमारे मल्टीपल रिड्यूसर्स भी हो सकते हैं। हमारी छोटी सी एप्लीकेशन है, एक ही रिड्यूसर हमें जो है काफ़ी रहा। आप एक ही रिड्यूसर के साथ भी अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ जाए तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं अपने रिड्यूसर्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मुझे लॉगिन की फंक्शनैलिटी को कैटर करने के लिए कोई रिड्यूसर चाहिए तो मैं यहाँ पर एक और न्यू फाइल बना लूँगी या फिर यहीं पर मैं एक और रिड्यूसर लिख लूँगी और उसे एक्सपोर्ट करवा दूँगी या मैं यहाँ पर न्यू फाइल बना लूँगी। उसके बाद हमें इन दोनों रिड्यूसर्स को कंबाइन करवाना पड़ेगा। वो काम हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि रिडक्स हमें एक और कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, एक और फंक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कंबाइंड रिड्यूसर्स। कंबाइंड रिड्यूसर से हम अपने रिड्यूसर्स को कुछ इस तरीके से कंबाइन करेंगे। सबसे पहले हमने जिस तरह यहाँ पर एक रिड्यूसर इम्पोर्ट करवाया है प्रोडक्ट रिड्यूसर के नाम से, इसी तरह हम एक और रिड्यूसर इंपोर्ट करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जिसका नाम लेट्स से आप रख लेंगे कंबाइंड रिड्यूसर्स, कंबाइंड रेड इज इक्वल टू, और कंबाइंड रिड्यूसर्स का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे और उस ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर्स भेजेंगे अपने रिड्यूसर्स को यूज़ करते हुए। की आपकी कुछ भी हो सकती है, सो यहाँ पे मैं इसे फॉर एग्जांपल कह सकती हूँ प्रोडक्ट और इसका रिड्यूसर मैं इसके सामने लिख दूँगी प्रोडक्ट रिड्यूसर। इसी तरह मेरा सेकेंड रिड्यूसर आ जाएगा लेट्स से अगर उसका नाम है लॉगिन और रिड्यूसर का नाम है लॉगिन रिड्यूसर। तो इस तरीके से मेरा कंबाइंड रिड्यूसर का ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट में आ जाएगा और कंबाइंड रिड्यूसर के इस वेरिएबल को मैं पास कर दूंगी क्रिएट स्टोर के आर्गुमेंट के अंदर इस तरीके से। तो इस तरह से हम ये हमारा जो है रूट रिड्यूसर बन जाएगा जिसके बारे में हमने इनिशियली आपको बताया था और ये रूट रिड्यूसर फिर स्टोर से कनेक्टेड हो जाएगा और जो भी स्टेट चेंजेस होंगी ये रूट रिड्यूसर जो है मैनेज करेगा कि उसने किस रिड्यूसर के थ्रू वो स्टेट चेंज करवानी है। यहाँ पे हमारे पास एक ही रिड्यूसर है तो हमें कंबाइंड रिड्यूसर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्रिएट स्टोर में रिड्यूसर को सेंड कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है app.js में डेटा इज़ नॉट डिफाइंड और उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ से app.js से डेटा की जो वेरिएबल था जो कि स्टेट में सेव हो रहा था उसे हटा दिया। तो अब हमें स्टेट में यहाँ पे कुछ भी सेव करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम रिडक्स में सेव करवा रहे हैं एक्सेप्ट फॉर कार्ट ओपन, ये एक हमारा कंपोनेंट का ही फ्लैग होगा या स्टेट होगी। सो यहाँ से हम दोनों स्टेट्स को हटा देंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट्स पेज में जहाँ हम आइटम्स डेटा सेंड कर रहे थे वो भी रिमूव कर देंगे। कार्ट में जो हम सेलेक्टेड आइटम्स भेज रहे थे वो भी रिमूव कर देंगे यहाँ से। प्रोडक्ट पेज में जो सेलेक्टेड आइटम्स हम सेंड कर रहे थे वो भी रिमूव कर देंगे और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि ये बेसिकली आइटम्स डेटा डॉट लेंथ उठा रहा था। और अब हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पेज के अंदर। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स पेज में हमें ज़रूरत है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की, आइटम्स डेटा की और सेलेक्टेड आइटम की। तो ये तीनों चीज़ें हम गेट करेंगे इस कंपोनेंट के अंदर अपने स्टोर से। सो आप देख रहे हैं कि इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हमें ये केयर करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कंपोनेंट है जिसको स्टोर की ज़रूरत है, और विदाउट टेकिंग केयर ऑफ दैट हम उस कंपोनेंट को सिंपली अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करेंगे और वहाँ से स्टोर डायरेक्टली उठा लेंगे। अब हमने प्रोडक्ट्स पेज में अपनी स्टेट को एक्सेस करना है, उसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करवाएंगे कनेक्ट को फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी। रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी हमें एक कनेक्ट का HOC प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर अगर हम अपना कंपोनेंट रैप कर दें तो वो कंपोनेंट तमाम स्टेट्स को एक्सेस कर पाता है विद द हेल्प ऑफ मैप स्टेट टू प्रॉप्स, और एक्शंस भी डिस्पैच कर पाता है विद द हेल्प ऑफ मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। यहाँ पे प्रोडक्ट पेज को मैं रैप करूँगी कनेक्ट के HOC के अंदर कनेक्ट, और इस तरह से ये हमारा कंपोनेंट कनेक्ट में रैप हो गया। बट स्टिल इसके पास स्टेट अभी एक्सेसिबल नहीं है, उसके लिए हमें कुछ इस तरह से करना होगा कि कॉन्स्ट मैप स्टेट टू प्रॉप्स। इसके आर्ग्यूमेंट्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो फॉर श्योर होती है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जो कि होती है स्टेट, और ये स्टेट वो स्टेट होती है जो स्टेट हमने स्टोर के अंदर सेव करवाई हुई होती है, वो पूरा ऑब्जेक्ट इस आर्ग्यूमेंट में आ रहा होता है। सेकंड होती है ओन प्रॉप्स, जो कि इस कंपोनेंट की अपनी प्रॉप्स होती हैं। सिंस यहाँ पे हमें इस आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको फिलहाल छोड़ देंगे, और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करवाएंगे वो सारी स्टेट्स जो कि हमें अपने इस कंपोनेंट के अंदर चाहिए। तो पहला जो हमें यहाँ पे स्टेट का वेरिएबल एक्सेसिबल होना चाहिए वो है प्रोडक्ट्स, जो कि हम गेट कर लेंगे स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स के थ्रू। सेकंड हमें चाहिए सेलेक्टेड आइटम्स, वो हम गेट कर लेंगे स्टेट डॉट सेलेक्टेड आइटम्स के थ्रू। ये तो हमने स्टेट को गेट करवा लिया, लेकिन ये स्टेट गेट करवाने से पहले हमें एक्शंस डिस्पैच करने हैं, जो कि स्टेट रिड्यूसर को ये जाके बताएंगे कि ये वाली स्टेट रिटर्न कर दो। सो यहाँ पे हम मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स का एक फंक्शन बनाएंगे, जिसके आर्ग्यूमेंट में डिस्पैच एक्सेसिबल होगा, और यहाँ पे भी हम रिटर्न करवाएंगे अपने एक्शन क्रिएटर्स को। इसे कह देते हैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स में हम डिस्पैच करेंगे अपने एक्शन को। एक्शन हमारा है गेट ऑल प्रोडक्ट्स, जो कि हमने यहाँ पे एक्शन से गेट करवाया हुआ है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स भी और गेट सेलेक्टेड आइटम्स भी। लाइकवाइज यहाँ पे हम गेट सेलेक्टेड आइटम्स को डिस्पैच करवा देंगे, बेसिकली डिस्पैच नहीं करवा रहे, ये अभी हम रिटर्न करवा रहे हैं एक्शन क्रिएटर्स को। प्रोडक्ट्स पेज का कंपोनेंट सेंड करवाने के साथ साथ ये दोनों फंक्शंस भी सेंड करवा देंगे, जो कि है मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। अब यहाँ पे जहाँ भी हमारे पास आइटम्स डेटा यूज़ हो रहा था, जो कि ऐप डॉट जे एस से आ रहा था, या सिलेक्टेड आइटम्स यूज़ हो रहे थे, वो हम प्रॉप्स से उठाएंगे और वहाँ से यूज़ करेंगे। सो वापस app.js में जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि आइटम्स डेटा और सिलेक्टेड आइटम्स कहीं यूज़ हो रहे हों जो हमने डिलीट ना किए हों, तो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं इन्हें। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है रिड्यूसर में, इसे देख लेते हैं। अपडेटेड प्रोडक्ट्स के नॉट ओके, तो इसका नाम हम दे देते हैं न्यू प्रोडक्ट्स। Selected items is not defined, line 173। ये एक ऑब्जेक्ट होगा और इसके अंदर ये एरे होगी बेसिकली।
ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और आई थिंक ये कर्ली ब्रेसेस हम रिमूव कर सकते हैं। ये सेलेक्टेड आइटम्स जो है यहाँ पे स्टेट डॉट सेलेक्टेड आइटम्स करना है। ओके, ये हमने वैसे भी कैपिटलाइज रखा, वैसे कैपिटलाइज नहीं रखना। इंक्रीज क्वांटिटी का आई बी स्मॉल, ये बाय कन्वेंशन स्मॉल होते हैं क्योंकि ये एक्शंस है, बेसिकली फंक्शंस, और फंक्शंस के नाम जो है हम स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट कर रहे होते हैं। गेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स, इट्स नॉट आइटम्स। तो ये, और नीचे यहाँ पे हम डिस्पैच भी गेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को करवाएंगे। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है, एक्शंस मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट्स, यूज कस्टम मिडलवेयर फॉर एसिंक एक्शंस। यहाँ पे माइंडफुली मैंने एक चीज छोड़ी थी, वो ये कि जब हम ये एक्शन क्रिएटर्स बना रहे हैं तो एक्शन क्रिएटर्स के बारे में हमने पढ़ा था दैट दे आर फंक्शंस, ES6 फंक्शंस, ES5 फंक्शंस, दे आर नॉर्मल फंक्शंस। तो वो फंक्शंस बेसिकली रिटर्न कर रहे होते हैं एक्शन को, और ये हमारे एक्शंस हैं। तो हम अपने डायरेक्टली एक्शंस अगर इनको असाइन कर देंगे तो हम इन्हें कॉल नहीं कर सकते, लिहाजा यहाँ पे हमें इस तरीके से एक एक्शन बनाना ज़रूरी है। और ये एक्शंस बेसिकली हम इन के अंदर सेव करवा रहे होंगे। गेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स भी हमारे पास प्रॉप्स में आ रहे होंगे। यहाँ पे हम जो भी रिटर्न करवाते हैं वो हमारे पास प्रॉप्स में आ जाता है उस कंपोनेंट के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 18 भी शो हो रहा है जो कि हमारी स्टेट से आ रहा है, और इसके अलावा हमारी स्टेट में से ये सारी वैल्यूज भी आ रही हैं जो हमने सेव करवाई थी डेटा रिलेटेड। यहाँ पे हमने ये जो दो एक्शंस बनाए, गेट ऑल प्रोडक्ट्स और गेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स, इसमें गेट ऑल प्रोडक्ट्स की तो हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे प्रोडक्ट्स अपडेट नहीं हो रहे, यानी कि उनकी क्वांटिटी तो अपडेट हो रही है लेकिन ये कि न्यू प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, ना कोई प्रोडक्ट्स डिलीट हो रहे हैं। तो जो हमने इनिशियल स्टेट में प्रोडक्ट सेव करवाए हुए हैं वो हमारे पास हमेशा रिटर्न होंगे, बेशक हम ये वाला एक्शन डिस्पैच ना भी करवाएं। तो ये एक्शन हम डिलीट कर सकते हैं पूरी ऐप से। तो यहाँ से गेट ऑल प्रोडक्ट्स को हम डिलीट कर देंगे, और इसी तरह हम अपने एक्शन टाइप्स में जाएंगे और गेट ऑल प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देंगे। इसके अलावा एक्शंस में जहाँ पे हमने इसे इंपोर्ट करवाया हुआ है वो भी डिलीट कर देंगे, और गेट ऑल प्रोडक्ट्स के इस ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देंगे। इसके अलावा रिड्यूसर में जाएंगे, और रिड्यूसर में जाके सबसे पहले तो हमने जहाँ इंपोर्ट करवाया हुआ है वो डिलीट करेंगे, ये एक रैंडम इंपोर्ट हुई है इसे डिलीट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने केस स्टेटमेंट लिखी हुई है गेट ऑल प्रोडक्ट्स की, ये भी डिलीट करेंगे। अब सेकंड चीज़ जो देखने वाली है वो है गेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स की। तो ये भी हमें एक्शन डिस्पैच करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली हम स्टोर को एक्सेस करके ये गेट कर सकते हैं, तो हमें कोई स्पेसिफिक कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब हमने सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स सेव करवानी होंगी तब हमें एक एक्शन ज़रूर चाहिए होगा जो कि हमारे पास अपडेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स का है। लाइकवाइज गेट टोटल प्राइस भी हम डायरेक्टली स्टेट से एक्सेस करके गेट कर सकते हैं। तो ये दोनों केसेस भी निकल जाएंगे यहाँ से, और एक्शन टाइप से इंपोर्ट से भी निकल जाएंगे। एक्शंस के अंदर जहाँ पे हमने गेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स का एक्शन ऑब्जेक्ट सेव करवाया हुआ है ये भी हम डिलीट करवा सकते हैं, गेट टोटल प्राइस का ऑब्जेक्ट भी डिलीट करवा सकते हैं। और अब हमारे पास ये चार बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के एक्शंस जो है वो रेडी हो गए हैं। इंपोर्ट से हम सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देंगे, और एक्शन टाइप से भी हम हटा देंगे जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे एक वैसे मैं मिस्टेक देख रही हूँ कि हमने एक्शन टाइप से डिक्रीज क्वांटिटी का एक्शन टाइप नहीं कॉल करवाई हुई जो यहाँ हमने सेंड करनी है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट्स पेज में एरर आ रहा है गेट सेलेक्टेड आइटम्स
उसे मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे हमें ये भी नहीं चाहिए, तो इसे फिलहाल हम एम्प्टी ही सेंड कर देंगे। इन केस आपने कुछ भी ना डिस्पैच करवाना हो तो आपके पास ये भी चॉइस होती है, आप ये फंक्शन ना बनाएं और यहाँ पे खाली इस तरीके से सिर्फ मैप स्टेट टू प्रॉप सेंड कर दें। बट ये मैं अभी यहाँ पे छोड़ दूंगी, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ और डिस्पैच करवाने होंगे एक्शन। तो अब हम चल के देखते हैं ब्राउजर में। ऑल राइट, सब कुछ हमारे पास आ रहा है, प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स इटसेल्फ भी हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। मोडाल के ओपन करने वाले इवेंट को क्लिक करें तो हमारे पास स्टेट में सेलेक्टेड आइटम्स जो है वो सेव हो जाए। फिलहाल हमारे सेलेक्टेड आइटम्स जो है वो स्टेट में सेव हो रहे हैं, जो कि एप डॉट जे एस में हमने डिफाइन की हुई थी। इसलिए जब मैं क्लिक कर रही हूँ कार्ट पे तो मेरे पास कुछ इस तरह का एरर आ रहा है कि उसे सेलेक्टेड आइटम्स मिल ही नहीं रहे। तो अब हम वापस कोड में जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास है आइटम कार्ड, जिसके अंदर हम ऑन क्लिक पे ऑन कार्ट क्लिक को कॉल कर रहे हैं। ये ऑन कार्ट क्लिक हमारे पास हमने क्रिएट किया था ऐप डॉट जे एस में। ऑन कार्ट क्लिक में हम कर क्या रहे थे कि हम स्टेट सेट करवा रहे थे और उसमें सिलेक्टेड आइटम्स में आइटम को अपेंड करवा रहे थे। अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट पेज में वापस जाएंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे कुछ चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट कनेक्ट वाली, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम कॉपी करेंगे मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स के फंक्शंस यहाँ पे कॉपी कर देंगे, और उसके बाद अपने इस कंपोनेंट को हम रैप करवा लेंगे। विद राउटर में फिलहाल हमने ऐप को रैप करवाया हुआ है, यहीं पे हम कनेक्ट के एचओसी के अंदर ऐप को रैप करवा देंगे, और यहाँ पे हम सेंड कर देंगे मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स और इससे पहले मैप स्टेट टू प्रॉप्स। साथ ही यहाँ पे जो हमने एक्शंस गेट करवाए हुए थे यहाँ से डिलीट करते हैं, ऐप डॉट जे एस में लेके जाते हैं। ये एक्शन हमने यहाँ से गेट किया, यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे इसी नेम के एट्रीब्यूट से एक फंक्शन। अब यहाँ पे अपडेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होगा प्रॉप्स के अंदर या दिस डॉट प्रॉप्स के अंदर, क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट है। तो हम ऑन कार्ट क्लिक में जाएंगे और यहाँ पे हम दिस डॉट प्रॉप्स डॉट अपडेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को कॉल कर देंगे, और उसमें कॉल कर देंगे आइटम डिटेल्स को। बेसिकली यहाँ पे फिलहाल हमें अभी स्टेट रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे एम्प्टी कर सकते हैं, और या ये डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे मैं स्टेट टू प्रॉप्स की जगह नल भेज देंगे। यहाँ पे इसे स्प्रेड नहीं करवाना क्योंकि हमने सिंपली इसे अपेंड करवाना है एरे में। और अब वापस जाते हैं, लेकिन कार्ट ओपन नहीं हो रहा, उसकी वजह यह कि हमने कार्ट ओपन की स्टेट को ट्रू नहीं करवाया। तो ऐप डॉट जे एस में वापस जाएंगे और यहाँ पे ऑन कार्ट क्लिक पे साथ ही दिस डॉट सेट स्टेट में कार्ट ओपन को ट्रू करवा देंगे। अब हमारे पास कार्ट ओपन हो रहा है। नेक्स्ट चेंज जो हमने करना है वो हमने करना है कार्ट पेज में। अब कार्ट पेज क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि इसमें जो हम प्रॉप सेंड करवा रहे थे पहले स्टेट से वो उसे मिल नहीं रही। वापस कोड में जाते हैं, कार्ट पेज के अंदर जाएंगे, कार्ट पेज में देखेंगे कि हम प्रॉप से क्या क्या गेट कर रहे हैं। तो प्रॉप से हमारे पास आ रहे हैं सिलेक्टेड आइटम्स, लेकिन यहाँ पे हम
हमें स्टोर से कनेक्ट करवाना पड़ेगा ये कंपोनेंट सिलेक्टेड आइटम्स गेट करने के लिए। उसके लिए हम प्रोडक्ट पेज में जाएंगे, यहाँ पे हम कनेक्ट को इंपोर्ट करवाएंगे, उसके बाद मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स दोनों फंक्शंस लिखेंगे, उसके बाद कंपोनेंट को कनेक्ट के अंदर सेंड करेंगे और सिलेक्टेड आइटम्स को अपडेट करवा रहे हो यहाँ पे ऑन कार्ट क्लिक पे, तो साथ ही हमें इस स्पेसिफिक आइटम की क्वांटिटी को भी +1 करवा देना है। उसके लिए हम ये करेंगे, और इसके रीज़न ये है कि जब आप कार्ट पेज में जाएंगे तो आपका उस स्पेसिफिक आइटम की क्वांटिटी अगर 1 नहीं होगी तो आपकी टोटल प्राइस सही से कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हम एक्शन से गेट करते हैं इंक्रीज क्वांटिटी, और इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे इंक्रीज क्वांटिटी, और आइटम डिटेल्स ही इसके अंदर भी सेंड करवा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे आइटम की क्वांटिटी में +1 हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूसर में हमने ये लॉजिक ऑलरेडी लिखी हुई है। कार्ट पेज में वापस जाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट बनाना पड़ेगा मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, गेट टोटल प्राइस का एक्शन क्रिएटर, एक्शन हम यहां से इंपोर्ट करवा लेंगे। और कंपोनेंट विल माउंट में दिस डॉट प्रॉप्स डॉट गेट टोटल प्राइस को कॉल कर लेंगे, और यहां पे क्या इश्यू आ रहा है, एक्शन डॉट जेएस में जाएंगे। ओके, यहाँ पे अपडेट टोटल प्राइस है और हम गेट टोटल प्राइस कर रहे थे। ऑल राइट, अब हमने ऐड और इंक्रीज और डिक्रीज का जो इवेंट हैंडलर है उसको देखना है कि उसमें क्या हो रहा था और अब क्या होना चाहिए। हैंडल इंक्रीमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे एक्शन से हम गेट करेंगे इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज क्वांटिटी, और यहाँ से हम दो और एक्शन क्रिएटर्स को रिटर्न करवा देंगे, और एक दफ़ा दोबारा हम जाएंगे अपने रिड्यूसर के अंदर। प्रोडक्ट्स के ऊपर मैप नहीं करवाना, हमें बेसिकली सेलेक्टेड आइटम्स के ऊपर मैप करवाना है, क्योंकि सेलेक्टेड आइटम्स पे हम कार्ट में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम कार्ट और जेएस में एक और स्टेट जो गेट करवाना भूल गए हैं वो है टोटल प्राइस की, जो कि स्टेट डॉट टोटल प्राइस से हम गेट करेंगे। प्राइस हम गेट कर लेंगे यहाँ से, सेलेक्टेड आइटम्स भी यहीं से हम गेट करेंगे, यहीं से हम टोटल प्राइस भी गेट करेंगे, और दिस डॉट प्रॉप्स के थ्रू रिस्ट्रक्चर करवा लेंगे। स्टेट से सिलेक्टेड आइटम्स हम नहीं उठाएंगे, अब यहाँ पे हम अपडेट टोटल प्राइस। अब हम रिड्यूसर डॉट जेएस में जाते हैं और इंक्रीज क्वांटिटी के रिड्यूसर को देखते हैं कि उसमें एक लॉजिक में क्या मसला है। बिकॉज हम जब मोडाल ओपन करते हैं तो हम अपने आइटम को अपने पास सेव करवा लेते हैं सिलेक्टेड आइटम्स में, और वहीं पे हम क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपडेट सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स या इंक्रीज क्वांटिटी, इन दोनों रिड्यूसर्स में से किसी एक में कोई मसला है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं, मुझे सिलेक्टेड आइटम्स में सेव करवाना है ये, और इसी तरह डिक्रीज क्वांटिटी में भी मुझे यही चेंज करना है। अब वापस जाते हैं ब्राउज़र में, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया और अब मैं गो टू कार्ट करूंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे आइटम्स टेबल में आ गए हैं। वापस कोड में जाते हैं और कार्ट डॉट जेएस में सबसे पहले तो सब टोटल जहां हमने लिखा हुआ है वहां पे टोटल प्राइस डॉट
टू फिक्स जो यहाँ पे हमने लिखा था इसे कट करते हैं और सब टोटल के आगे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आइटम डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आइटम डॉट प्राइस को भी हम टू फिक्स दो डेसिमल पॉइंट तक इसे फिक्स करवा देंगे। अब हम बनाएंगे इसका हैंडल इंक्रीमेंट का मेथड। यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट इंक्रीज क्वांटिटी को कॉल कर देंगे और इसमें सेंड कर देंगे आइटम को। लाइकवाइज यही काम हम करवाएंगे डिक्रीमेंट में। पहले क्या कर रहे थे कि स्टेट से जो हमारे पास सिलेक्टेड आइटम्स आ रहे थे उसमें से वो आइटम्स फिल्टर आउट करवा रहे थे जिनकी क्वांटिटी हमने डिक्रीज करके ज़ीरो कर दी है। यही काम अब हम अपने रिड्यूसर में करवाएंगे। वो फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स हम सेलेक्टेड आइटम्स में सेव करवा देंगे। तो अब वापस जाते हैं ब्राउजर में और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी चेक कर लेते हैं और ये मसला भी चेक कर लेते हैं कि जब क्वांटिटी ज़ीरो हो तो क्या होता है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करती हूँ और गो टू कार्ट कर देती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब टोटल भी आ रहा है, सारे टोटल्स आ रहे हैं, सारे आइटम्स भी आ रहे हैं। अब अगर मैं पास्टा पे इंक्रीमेंट करूँ तो मेरी क्वांटिटी भी इंक्रीमेंट हो गई और टोटल भी उस हिसाब से इंक्रीमेंट हो गया। एक और इंक्रीमेंट करूँ तो उसी हिसाब से ये भी हो गया मेरा। लेकिन अब यहाँ पे एक और मसला आ रहा है कि हमारा सब टोटल लाइक वाइज जो है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो अभी इस चीज़ को हमने कैटर करना है। अब लेट से मैं पाइज निकालना चाहती हूँ तो ओके यहाँ पे कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड एक्शन डॉट जे एस और यहाँ पे डिक्रीज क्वांटिटी में हमने पेलोड नहीं सेंड करवाया। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम हेयर। आईडी को ओमिट कर दें और वापस चलते हैं हम अपने एक तो कार्ट पेज में जहाँ पे हम आइटम सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आइटम आईडी सेंड कर देते हैं और डिक्रीमेंट में भी आइटम आईडी सेंड कर देते हैं। इंक्रीज क्वांटिटी यहाँ पे आइटम डिटेल्स डॉट आईडी सेंड कर देंगे। एक्शन डॉट जे एस में वापस से जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास आइटम आईडी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं आ रहा, वो सेंड करवा देते हैं आइटम आईडी। एक चीज़ जो हम करना भूल गए वो है यहाँ पे सब टोटल को अपडेट करना। तो उसके लिए हम एक और काम करते हैं कि यहाँ पे हमने ओके सबसे पहले तो हम ये रिमूव कर देते हैं कॉम्पोनेंट डेट काउंट में जो हमारे पास लॉजिक हमने यूज़ नहीं करनी। और सेकंड काम फिर हम ये करते हैं कि कॉम्पोनेंट डेट अपडेट को कॉल करें जो कि प्रीवियस प्रॉप्स और नेक्स्ट प्रॉप्स को गेट करेगा। इसके अंदर हम उसी तरह से डी स्ट्रक्चर करवा देंगे सिलेक्टेड आइटम्स को भी और अपडेट टोटल प्राइस को भी। और अगर प्रीवियस प्रॉप्स के सिलेक्टेड आइटम्स नेक्स्ट प्रॉप्स के सिलेक्टेड आइटम्स के इक्वल नहीं है तो फिर हम अपडेट करवा देंगे टोटल प्राइस को। लेट्स गो बैक और अब अपनी पूरी एप्लीकेशन को प्रॉपरली टेस्ट करते हैं और अब हम देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल सही तरीके से सब टोटल भी अपडेट हो रहा है। वापस होम पे जाते हैं, दो तीन प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल बिल्कुल सही तरीके से अपडेट हो रहा है इंक्रीमेंट पे भी और डिक्रीमेंट पे भी। सो ये तो थी हमारी ऐप। इसे हमने फुली इसकी स्टेट को अच्छे से मैनेज करवा लिया रीडक्स लाइब्रेरी के साथ। अब हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है रीडक्स डेव टूल्स का। और ये एक टूल है जो कि एक एक्सटेंशन है जो कि हम अगर अपने ब्राउज़र में ऐड कर लें तो इससे फिर हम अपने ब्राउज़र में रियल टाइम स्टेट जो आपकी स्टोर में सेव हो रही होती है उसे मैप करवा सकते हैं और डिफ भी देख सकते हैं प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के दरमियान। और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके पूरे डिवेलपमेंट के प्रोसेस को आसान बनाने में। सो यहाँ पर हम जाएंगे ये फर्स्ट ऐप जो आ रहा है रीडक्स डेव टूल्स के पास, यहाँ पे ऐड करने की ऑप्शन आ रही होगी। सो आप यहाँ से ऐड करेंगे और ये आपके क्रोम में एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी और इसे आप इनेबल भी साथ ही कर देंगे। अब हम इसकी यहीं पे जो लिंक दिया हुआ है ऑफिशियल रिपोजिटरी का उसे एक्सेस करेंगे क्योंकि हमें अपने कोड में भी इनेबल करवाने होंगे डेव टूल्स। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से इसे ऐड करवा सकते हैं रीडक्स के साथ। तो जहाँ पे हम स्टोर क्रिएट करके कर रहे होते हैं और रिड्यूसर सेंड कर रहे होते हैं वहीं पे हम इस स्निपेट को कॉपी करके डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे
एंड दैट्स इट। इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रिडक्स का टैब आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक्शन स्टेट डिफ ट्रेस और टेस्ट ये पूरा एक कंसोल सा खुल गया है जो कि आपकी रिएक्ट ऐप की रिडक्स स्टेट को, रिडक्स में सेव हुई हुई स्टेट को जो कि स्टोर में है उसकी पूरी हिस्ट्री देगा। सो आप अगर स्टेट में जाएंगे तो ये अभी हमें जो हमने 3 स्टेट सेव करवाई हुई स्टोर में वो डिस्प्ले कर रहा है। प्रोडक्ट्स के अंदर हमने प्रोडक्ट सेव करवाई हुई है, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स खोल के किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेस करके उसकी कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू देख सकते हैं। ये हमारी इनिशियल स्टेट होगी। अब यहाँ से अगर मैं किसी मोडाल पे क्लिक करूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सेलेक्टेड आइटम्स के अंदर जो है एक प्रोडक्ट आ गया है। पहले ये एम्प्टी था, अब एक प्रोडक्ट आ गया है। और अब मैं अगर गो टू कार्ट करूं, वापस रिडक्स टैब में जाऊं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल प्राइस भी अपडेट होकर आ गई है। यहां से आप देख सकते हैं कि आपके सारे एक्शंस आ रहे हैं जो आपने डिस्पैच किए हैं। सो लेट्स से अगर मैं अपडेट टोटल प्राइस पे क्लिक करूं, तो मुझे इस एक्शन से डिस्पैच होने से जो स्टेट अपडेट हुई है या जो स्टेट अपडेट होने के बाद स्टोर की स्टेट है वो ये डिस्प्ले कर रहा है। इंक्रीज क्वान्टिटी के बाद ये स्टेट थी, अपडेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट के बाद ये स्टेट थी। तो इन टूल्स इस टूल के साथ बहुत आसान हो जाता है अपनी एप्लीकेशन को डीबग करना, और आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं अगर आपकी इशू, आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा है, स्टेट अपडेट नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे एक्शन बाय एक्शन जाके और ये कंफर्म कर सकते हैं कि कौन से एक्शन पे आपकी कौन सी स्टेट अपडेट नहीं हो रही या कोई मसला आ रहा है। सो इस एपिसोड में हमने देखा कि रिडक्स लाइब्रेरी क्या होती है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, ये क्या क्या ऑफर करती है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और ये किन फीचर्स पे चलती है। उसके बाद हमने एक छोटा सा डेमो बनाया जिसमें हमने लेक्चर 3 में जो ऐप बनाई थी उसे फुली कन्वर्ट किया रिडक्स के अंदर, और देखा हमने कि किस तरीके से रिडक्स हमारे फंक्शनैलिटी को आसान बना देता है और हमारी कॉम्प्लेक्स ऐप को भी कितना सिंपल बना सकता है। और एंड में हमने देखा कि किस तरीके से आप रिडक्स डेव टूल्स के जरिए अपनी स्टेट्स को रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर लेक्चर 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।